हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में है हमारे, आप देख ही सकते हैं कि गोल्डन शेडो बंडल, आई थिंक ऐसा ही नाम है। तो हम इसको ओपन करने वाले हैं, तो आई होप कि हमें सस्ते में मिल जाए। भाई सस्ते में आपको पता होगा, जो ओल्ड हमारा जो इन्फर्नल सोल्जर बंडल आई थिंक इस तरह का नाम था, तो वो जो हमने इनक्यूबेटर सारे के सारे निकाले, तो उस पेयर काफ़ी ज़्यादा डायमंड लग गए। लेकिन इसमें देखते हैं कितने यानी कि लगते हैं डायमंड। तो हम स्पिन करते जाएंगे, आई होप के फ्री फायर हम पे तरस खाए और हमें जल्दी से दे दे। देखो अब क्या करती है फ्री फायर। तो गाइज, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को, बेल आइकन को आल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, थोड़ी सी हम नज़र डाल लें इस बंडल के ऊपर। तो ये हमारा ओल्ड बंडल यानी कि इनक्यूबेटर ओल्ड था, तो उसमें भी एक ना प्रॉब्लम आ गई थी। जो इसकी चेस्ट है, इसके ऊपर जो वर्डिंग लिखी हुई है, इस पर कुछ वर्ड फ्री फायर ने लिख दिया था, जिसके ऊपर से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बस समझ जाओ। तो फ्री फायर ने क्या किया कि वो जो बॉडी से ना चेंज कर दिए, यहाँ पर वो वर्ड तो थे उसको हाइड करके यहाँ पर डिज़ाइन बना के दोबारा से लॉन्च किया। तो मतलब जिन लोगों को मिल चुके थे बंडल, तो उनके पास भी चेंज हो गए थे। तो इस तरह भी लोग इस बंडल को जानते हैं। और बाकी ये जो बंडल है ना, बहुत ओपी बंडल है। इसमें एक आई थिंक पर्पल या फिर ब्लू वाला बंडल है, वो भी बहुत ही ओपी और बहुत ही अच्छा बंडल है। तो देखते हैं कि अब कितने डायमंड में हमारे निकलते हैं। तो चलें, स्पिन अभी लग ही रहे हैं स्पिन, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। तो 180 का स्पिन, तो क्या निकला हमारा। ओ भाई, एवोल्यूशन कॉइन तो फ्री फायर ऐसे देती है ना हमें, जैसे पता नहीं, बस हमारे आईडी में फ्री फायर ने लिख दिया है कि इसको देने ही एवोल्यूशन कॉइन है। कुछ भी भाई, कुछ ख्याल किया करो फ्री फायर, दे दिया करो यार, हमें कुछ दिया करो, कुछ ब्लूप्रिंट दिया करो, हम ओपन करें इस बंडल को। तो काफ़ी अच्छे बंडल है और काफ़ी अच्छा फ्री फायर ने हमें एक्सेस भी दिया है इन चीज़ों का। तो हम फिर से ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई क्या, अरे भाई क्या यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। एक्सपीरियंस भाई, किस चीज़ का एक्सपीरियंस देना चाहते हो हमको, नहीं चाहिए हमें एक्सपीरियंस कार्ड, मेरे पास बहुत हो चुके हैं फ्री फायर। हमको कुछ दे दो यार, कुछ बंडल वगैरह दो, क्योंकि इसके अंदर आपको बता दूं कि इसमें बंडल है ज़्यादा, क्योंकि जो ओल्ड वाला था उसमें बंडल कम थे। तो उसके अंदर टोटल 4 बंडल थे इनक्यूबेटर के अंदर। लेकिन इस इनक्यूबेटर की प्रॉब्लम ये है कि मेल और फीमेल चेंज है, यानी कि 6 बंडल है टोटल। तो भाई 6 बंडल है, तो उसके लिए आपको पता है कि एवोल्यूशन कॉइन भी बहुत सारे लगेंगे, और प्लस में हमारे जो ब्लू प्रिंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा लगने वाले हैं। तो भाई, तो क्या निकला, क्या क्या करते हो फ्री फायर, दिल तोड़ते हो यार, ना किया करो यार। तो गाइस, बाकी चीज़ों को इग्नोर मारा करो, सिंपल बंडल और स्पिन पे फोकस किया करो। तो भाई क्या निकला, भाई दे दो यार गोल्ड, क्या करूँगा गोल्ड, मेरे पास 3 लाख से ऊपर गोल्ड है, सर में मारना है गोल्ड मैंने। तो यहाँ पर अबे भाई क्या यार, फ्री फायर ना करो यार, ऐसा नहीं करो, दे दो, 6 तो हो चुके हैं, बाकी बस थोड़े से मुझे चाहिए 5-6 और। तो अभी तक तो यार बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए बंडल, बंडल नहीं यानी कि ब्लू प्रिंट। तो एक्सपीरियंस कार्ड एक के एक्सपीरियंस, भाई भाई मेरा सर दर्द कर रहा है यार, फ्री फायर दे दिया करो यार। आपको पता भी है हमने नहीं छोड़ना, हमने अपनी जनता को दिखा के रहना है कि बंडल ही हमारे जो किस तरह के दिखते हैं। जिन दोस्तों के पास नहीं है उनको फुल ओपी वाला रिव्यू देना है हमने, लेकिन बस यार क्या करें। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है, अगर आपने उसमें यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपने सिंपल ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि हम कस्टम वगैरह किया करेंगे, वहाँ फैक्ट्री चैलेंज, बीमा शक्ति चैलेंज, एडम चैलेंज, अलोक चैलेंज, स्काइलर चैलेंज, बहुत सारे यानी कि चैलेंजेस हुआ करेंगे, काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो हुआ करेंगे, काफ़ी मज़ा भी आया करेगा। अगर आप भी आना चाहते हैं उस वीडियो के अंदर, वो वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा पीआरजी गेमर और पीआरजी आर्मी चैनल के ऊपर। तो अगर आप इस वीडियो में आना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर जल्दी से जाके क्लिक कर दें, डिस्कॉर्ड पे हमें ज्वाइन कर लें, फिर बहुत मज़े की गपशप भी लगा करेगी और हमारी जो वीडियो भी बना करेगी। लेकिन जो उसमें जो टाइम टेबल है, मैं आपको बता दूं कि जो हम टाइम रख रहे हैं वो रख रहे हैं 7:00 PM का, मतलब कि 7:00 PM। तो 7 नहीं, ऐसा कर लेते हैं 7:30, 7:30 PM आप सबने ऑनलाइन आ जाया करना है डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो जो भी ऑनलाइन हुआ करेगा, 50 मेंबर हमें चाहिए हुआ करेंगे, तो जो फर्स्ट हुआ करेगा 50 जैसे हो जाया करेंगे, तो हम कस्टम स्टार्ट किया करेंगे और वहाँ पर भाई इंजॉय किया करेंगे, फुल वाला लेवल वाला इंजॉय होगा।
तो आई होप कि अभी तक तो आपने ज्वाइन कर भी लिया होगा। तो मतलब कि अभी आज से नहीं, नेक्स्ट से यानी कि कल से 7:30 बजे शाम को डिस्कॉर्ड पे आ जाया करना, तो फुल इंजॉय होगा। भाई बहुत बातें कर ली, लेकिन यहाँ तो कुछ देने को फ्री फायर राजी नहीं है क्या यार? ए अबे यार, यार पता नहीं क्यों जब ब्लूप्रिंट के पास आता है ना ये फास्ट हो जाता है। तो भाई क्या यार, फ्री फायर क्या कर रहे हो यार, ना करो यार, दे दिया करो। चलो चलो, अबे यार कार्ड का मैं क्या करूँगा भाई, कार्ड का तो गोल्ड कार्ड एक्सपीरियंस भाई 3-3 ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिए हूँ मैं, वहाँ पर मेरे दूसरी आईडी पे तो एक ब्लूप्रिंट होता है, 3 एवोल्यूशन कॉइन होते हैं, फिर भी यार इतना निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई 3 ब्लूप्रिंट भी डालने के बावजूद भी नहीं देना, नहीं पीआरजी को नहीं देना, बाकी सबको दे दो, कोई बात नहीं, हम फिर भी स्पिन करते रहेंगे करते रहेंगे। तो जब तक तो गाइस बात कर लें कुछ क्रिमिनल बंडल की भी। तो यार क्रिमिनल बंडल की बहुत सारी यानी कि चर्चा चल रही है कि क्या क्रिमिनल भी वापस आएगा। तो गाइस जो हमारी बात फ्री फायर से हुई है, तो यार फ्री फायर कहती है कि हमने उसको रिमूव कर दिया है अपनी यानी कि गेम से, कुछ इश्यूज बेस पे उन्होंने बताया था कि उसके ऊपर। लेकिन फिर आप बोलोगे कि जो GM आई थिंक रमी नाम था या रेमी, तो उनको मिले थे। तो गाइस असल में ये हो सकता है कि यार जो फ्री फायर में काम करते हैं बड़े, तो उनके लिए ये एक्सेस हो लेकिन ऑडियंस के लिए ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्री फायर एक पहले हाइप क्रिएट करके फिर दे, यानी कि लोग बोलें कि यार टॉप क्रिमिनल नहीं आ रहा, बस नहीं आ रहा, इतना अच्छा था, ये था वो था। लेकिन एकदम आप उठें और सुबह PRG की वीडियो देखें और PRG आपके सामने टॉप क्रिमिनल की अनबॉक्सिंग कर रहा हो, ओ भाई अनबॉक्सिंग बोलता हूँ ठीक है मैं रिव्यू को, तो इस तरह हो तो भाई तो क्या ही बात है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि टॉप क्रिमिनल फ्री फायर दे दे, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। कुछ टाइम बाद यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद, नहीं मंथ बाद, बीच में फ्री फायर का कुछ आ जाए, या फिर जब एनिवर्सरी होती है तो फ्री फायर पूछती है कि क्या चाहिए, तो मैक्सिमम लोग अगर बोलें कि भाई हमको टॉप क्रिमिनल चाहिए, टॉप क्रिमिनल ही दो हमें और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हो सकता है कि फ्री फायर टॉप क्रिमिनल का इवेंट ले आए या फिर इनक्यूबेटर में दे दे। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम विशेष वाला कुछ इवेंट आए, नींद बहुत आ रही है भाई, तो तब ऐसा हो सकता है कि हाँ हो जाए। लेकिन यार अगर टॉप क्रिमिनल आएगा तो भाई तुम्हारा रेड वाला तो निकालेगा ही, और ट्राई भी करूँगा कि अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर के अकाउंट में भी निकाल के दूँ, क्योंकि यार अभी ना काफ़ी ज़्यादा यही चल रहा है कि अपने सब्सक्राइबर, क्योंकि यार हम यूज़ नहीं करते, सिंपल सी बात बताऊँ ना, हम कोई भी अगर बंडल को अनलॉक करते हैं तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, तो इतने ज़्यादा बंडल्स हैं ना मेरे पास, मैं किसी को भी यूज़ नहीं कर रहा, बहुत सारे मेरे सर्वर्स भी IDs में हैं लेकिन मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैंने एक मतलब कि कालू सा करेक्टर रखा हुआ है वो पहन के रखता हूँ, हिप हॉप भी नहीं पहनता हूँ, सकूरा भी नहीं, सब कुछ मिला हुआ है लेकिन नहीं मैं नहीं पहनता हूँ, वही बात है। तो इसलिए अगर सब्सक्राइबर के अकाउंट में होगा तो यार काफ़ी मज़ा भी आएगा, आप लोग भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, ओके। लेकिन यार दोस्तों प्रॉब्लम पता क्या है, क्यों दूसरी आईडी के लिए ना थोड़ा सा मतलब कि बजट होना ज़रूरी है, तो आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे, जैसे व्यूज बढ़ जाएंगे तो क्या करूँगा कि मैं अपनी आईडी पे, तो यार मैं बता रहा हूँ ना मैं बंडल ओपन भी नहीं करता हूँ, तो मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि बस जैसे थोड़ा सा स्टेबल होता है चैनल तो मैं अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में डेली बेस पे यानी कि कोई भी इवेंट आ रहा है तो वो मैं उनके अकाउंट में ओपन करूँगा। तो अगर 1000 डायमंड लगे, 2000 लगे, 5000 लगे तो मैं उनके अकाउंट में लगाऊँगा, तो वो भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी, तो सब हैप्पी हैप्पी, तो मेरा ये प्लान है। तो अब देखते हैं कि कब तक सपोर्ट मिलती है आप लोगों की। तो गाइज मुझे लगता है कि यार ये ना बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी मैं जाके ना वो करता हूँ क्या कहते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो फॉरवर्ड करके जैसे ही मेरे कंप्लीट होते हैं तो वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमने यहाँ पर बंडल यानी कि जो ब्लूप्रिंट आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, तो ब्लूप्रिंट भी काफ़ी हो चुके हैं और हमारे जो एवोल्यूशन कॉइन है वो 45 हो चुके हैं भाई, 45। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं ये बंडल, तो भाई साहब तो गोल्डन शेडो या फिर शेड बंडल, शेडो ही होता है लेकिन यहाँ पे शेड लिखा हुआ है, तो गोल्डन शेड बंडल, तो भाई बहुत ही ओपी बंडल है, तो और काफ़ी रेयर बंडल है फ्री फायर का, तो हमें ये बड़ा बंडल मिल चुका है गोल्डन कलर में, तो भाई काफ़ी ओपी हो गया, तो इसको हम ओपन नहीं करते, बाद में ओपन करेंगे। तो उसके बाद है फीमेल का, तो गोल्डन का ये वाला बंडल है तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो मेल का भी अच्छा है और फीमेल का भी, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो बंडल बहुत ही ओपी है। तो चलें हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से फीमेल को, तो यहाँ से एक्सचेंज किया हमने, तो भाई ये हमें ये भी मिल चुका है गाइस, फाइनली ये बंडल भी हमारे पास आ चुका है।
तो काफ़ी ओपी है। तो डायनो वाले बंडल में क्या था, मैंने थोड़ी वीडियो क्रॉप की हुई थी, लेकिन इस बार यार कोई वीडियो क्रॉप नहीं कर रहा, क्योंकि यार कमेंट आते हैं कि भाई किसी और की आईडी पे कर रहे हो। तो यार ऐसा नहीं होता, मेरे पास बहुत सारी आईडी हैं तो मैं वहाँ पर करता रहता हूँ ओपन। तो फाइनली ये बंडल भी ओपन करते हैं। तो भाई ये चीज़, तो गाइस ये जो बंडल है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्डन वाले बंडल से, नेवी जो है ना बंडल ये वाला, तो मेरे को यार ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गोल्डन क्या है कि टॉप वाला बंडल है, तो इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो एक सिंपल सी बात यही है कि टॉप पे है तो इसलिए अच्छा है, लेकिन जो अगर बेस्ट की बात की जाए तो हमारा ये जो कलर वाला है ये ज़्यादा अच्छा है, ब्लू वाला। तो मेल और फीमेल दोनों ही बढ़िया हैं, अगर आप मेल यूज़ करते हैं तो आप मेल ले लेना, जब फीमेल यूज़ करते हैं या फीमेल ले लेना। तो आने वाला है बहुत जल्द तो ये वाले भी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग आपको पता ही है मैं क्यों बोलता हूँ, रिव्यू को हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। तो लास्ट वाला बंडल, तो ये भी काफ़ी ओपी है। तो ये ग्रीन कलर का, लेकिन यार इस बंडल के अंदर ना एनिमेशन नहीं होते, तो पता नहीं क्यों फ्री फायर यहाँ पर एनिमेशन नहीं डालती लास्ट वाले में। बस सिंपल सी बात है, सस्ता है तो इसीलिए एनिमेशन नहीं होते, अगर महंगा होगा तो एनिमेशन होंगे। और ये वाला बंडल मेल वाला ऑलरेडी था, तो ये बंडल यहाँ पर यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे पास ये सारे के सारे बंडल आ चुके हैं। तो भाई चले अब चलते हैं बैक और अपने जो बंडल वाला सेक्शन है वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पर चल के देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो चलते हैं वॉलेट में और बंडल, ये रहा बंडल। तो यहाँ पर हमारे पास बंडल, तो ये देखेंगे ये रहा बंडल। तो सबसे पहले हमारा गोल्डन वाला बंडल, तो काफ़ी ओपी बंडल है देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने बताना है कि आपको कौन सा बंडल सबसे अच्छा लगा। तो जो ग्रीन वाला बंडल है यार वो यहाँ पर नहीं है, वो ऑलरेडी ओपन है तो इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, काफ़ी ओपी ओपी बंडल है। तो यार सारे बंडल अच्छे हैं, लेकिन अगर सस्ते में मिलते हैं तो, अगर महंगे मिलते हैं तो फिर वो बहुत दिल दुखता है, आपको पता ही है कि महंगी चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर सस्ते में निकला है तो काफ़ी ओपी है। तो मैं तो कहूँगा कि आप गोल्डन की जगह जो दूसरा बंडल है, जो ऊपर तीसरे नंबर पर थर्ड नंबर पर, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर ब्लू वाला जो है गोल्डन से, क्योंकि वो सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अभी आप कौन सा परचेज़ करना फिर चाहेंगे जब ये आएगा। तो लेकिन काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं इसमें, तो इसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस इस पर वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, किसी दिन सब बंडल को ओपन करूंगा तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।